हम लोग ब्रिटिशर्स को इधर से भगाए हैं यार, अहिंसे से, इनको छोड़ेंगे क्या हम लोग? वो उनको भी मालूम है। Keep protesting. जो लोग पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर बहुत भरोसा मत रखिए। कुछ भी बदलाव आएगा, फ्रॉम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टू जेपी मूवमेंट हो, कुछ भी मूवमेंट हो, उसमें सारा भागीदारी स्टूडेंट्स की ही थी। ये प्रोटेस्ट एक मस्जिद और मदरसे से शुरू नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है। यूथ आगे बढ़े, स्टूडेंट्स आगे बढ़े, देश के ಏನು ಒಳ್ಳೆದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದೋ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು। ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇರಬಾರದು। अरिज भाई, ये बताइए कि ये जो प्रोटेस्ट हर जगह हो रहा है और आप भी आज प्रोटेस्ट में बैठे हैं, इस सब प्रोटेस्ट से आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को इसका कुछ असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? गवर्नमेंट तो डरा हुआ है, अगर उनमें हिम्मत रहता तो बात करते ना, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे लोग। अरे उनके ताकत रहता तो डरा नहीं होता तो बात करते, ये किधर बात कर रहे हैं हमारे से? कोई भी बात नहीं कर रहे, प्राइम मिनिस्टर नहीं बात कर रहे हैं, होम मिनिस्टर नहीं बात कर रहे हैं, ये लोग किधर स्पीच दे के निकल जाते हैं? अब मीडिया से कभी डिस्कशन पे आ रहे हैं ये लोग, इस सब्जेक्ट पे नहीं आ रहे हैं। तो ये लोग डरा हुआ है और इनको मालूम हुआ है ये लोग गलत किया है, ये लोग जो भी किया वो गलत है, ये करेक्ट नहीं है। हम लोग ब्रिटिशर्स को इधर से भगाए हैं यार, अहिंसे से, इनको छोड़ेंगे क्या हम लोग? वो उनको भी मालूम है, ये बाई चांस में इनको मिल गया है ये पोजिशन, ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, मालूम इनको भी। देखिए एक गवर्नमेंट हुकूमत का काम क्या है, जब लोग इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्ते में आकर बैठ रहे हैं, पूरा इतना सब हो रहा है, तो ये बुला के बैठ के बात करके, ओके भाई क्या गलती है हमारी, हमें क्या चेंज करना है, देखो इससे मुल्क को क्या फ़ायदा नहीं होता, ये तो करना चाहिए, वो भी नहीं कर रहे। ये बताइए कि अभी आवाम के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ? नहीं, हम यूनाइटेड रहना है, हम सब इंडियंस हैं, हम लोग भाई बहन हैं, हम लोग इसी तरीके से बचपन से जीते हुए आए हैं। अच्छा ये बताएं कि जो स्टूडेंट लोग इतनी जोश के साथ इस एक्ट के पीछे लगे हैं, उसका रीजन क्या है? आपको पता है कि why these people attack the students? ये क्यों students पे ही बार बार अटैक करते हैं? The reason is, whomever it may be, जो एक्टिविज्म में है या जो पॉलिटिक्स में है, उन लोगों की एक प्रॉब्लम होती है, लाइक दे हैव पॉलिटिकल एजेंडास। अब मैं कुछ ऐसा बात करूँ तो कुछ लोग मुझे वोट नहीं डालेंगे, वोट पॉलिटिक्स होगा, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उधर पे होगा। सो द पॉलिटिशियंस और वी कॉल एज अपोजिशन पार्टी, वो कम्प्लीटली बायस्ड है, दे नीड टू बैलेंस बिकॉज दे हैव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, दे नीड टू फेस द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। बट फॉर द स्टूडेंट्स इट्स नॉट लाइक दैट, बट स्टूडेंट्स को वैसा नहीं है, स्टूडेंट्स को नेक्स्ट डे ही इलेक्शन फेस करना, नेक्स्ट ईयर इलेक्शन फेस करना, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना नहीं रहता। सो दे विल स्पीक वॉट इज राइट, राइट इज राइट, रॉन्ग इज रॉन्ग बोल के डायरेक्टली बात करते हैं। सो इसलिए बार 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 अटैक हो रहा है, तो CAA गलत है एंड दे नो कि प्रोटेस्टिंग, जो लोग पॉलिटिशियंस है ना, पॉलिटिशियंस के ऊपर, जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके ऊपर बहुत भरोसा मत रखिए। कुछ भी बदलाव आएगा, फ्रॉम इंडियन फ्रीडम मूवमेंट टू जेपी मूवमेंट हो, कुछ भी मूवमेंट हो, उसमें सारा भागीदारी स्टूडेंट्स की ही थी। इतने दिन ये लोग क्या किए हैं? They did what they want. उनको अब खुद अब 4 साल में 5 साल में आने वाली इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, बट स्टूडेंट्स, हम हमारी फ्यूचर, लाइक स्टूडेंट्स आर ऑलमोस्ट लाइक 20-30 ईयर के होते हैं, 16-20 ईयर के होते हैं, उन लोगों को उनकी फ्यूचर बड़ी है, बिकॉज वी नीड टू लिव मोर 70 ईयर्स ओवर हियर इन कंट्री। बट जो पॉलिटिशियंस हैं, जो 60 प्लस हैं, अभी आपको यूथ लीडर मानते हैं, 60 प्लस ईयर्स बट ही इज़ अ यूथ लीडर मानते हैं, वो लोगों, फिर उनकी स्पैम भी कम है, उन लोगों सारी
they have their own properties and everything to lead their life, and however they will lead their life, kuch bhi ho unko manageable aata hai. हम और हमारी नेक्स्ट पीढ़ियाँ, हमारी नेक्स्ट जनरेशन यहाँ पे जीना है तो हम फाइट करना ही ज़रूर है, बिकॉज हमारे वतन को बचाना है. फ्रीडम फाइट से अब तक भी, CAA फाइट तक भी स्टूडेंट्स बहुत बड़ी अपनी पावर बताए हैं, ज़रूर इसके बाद भी बताएंगे. प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका इम्पैक्ट आपको कुछ नज़र आ रहा है? हाँ जी, जब से शहरियत तरमीम एक्ट जो वजूद में आया तब से अभी तक देखेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज़रूर हो रहा है. ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से इंडियन सिटीजन्स को कुछ असर नहीं होगा, तो मैं साफ तौर से कहता हूँ कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है सेकुलर कंट्री यानी जो है हमारा संविधान है उस पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है सेकुलर कंट्री डिक्लेयर किया है, इसका सीए का बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन पर पड़ रहा है. ये अटैक है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, इट इज एन असॉल्ट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये लग रहा है आपको इम्पैक्ट होगा? जरूर होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा इसका इम्पैक्ट, इसलिए कि ये जो है ये प्रोटेस्ट एक मस्जिद और मदरसे शुरू नहीं हुआ है, यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है. यूथ्स आगे बढ़े हैं, स्टूडेंट्स आगे बढ़े हैं, सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़े हैं, तमाम अखवाम के लोग जो समझदार हैं दानिशवर लोग हैं वो आगे बढ़े हैं. ये हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये एक तरफ जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, एक तरफ हिंदुस्तान की पूरी अवाम खड़ी हुई है. ಇವತ್ತರ ದಿವಸ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿವಸ, ಪ್ರಪಂಚ ದುಬ್ಬ ದೊಡ್ಡದು, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲ, BJP ಎಲ್ಲ ದಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಪಂಚ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಜನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ನಡಿಬೇಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
Thank you.